रामपुर नैनीताल मार्ग पर चलती कार में लगी भीषण आग, कार में सवार दोनों युवक सुरक्षित, कोई हताहत नहीं। रामपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से होकर गुजरने वाले रामपुर नैनीताल मार्ग पर देर रात चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई। उस वक्त कार में दो लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि कार में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आग इंजन से होते हुए कार के चैम्बर में लग गई, जिसके बाद कार चालक और साथ बैठा व्यक्ति कार से बमुश्किल बाहर निकल पाए। देखते ही देखते सेकंड में कार बर्निंग कार में तब्दील हो गई। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंचने पर कार में लगी आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक कार का अगला हिस्सा जलकर खाक हो चुका था। क्या नाम है जी आपका? बाबर भाई। अच्छा बाबर, ये जो आग लगी है तो क्या था? ये खड़ी थी बस, बच्चों ने जाके कहा कि गाड़ी में आग लग गई, गाड़ी में आग लग गई। जबान के बाहर देखा तो इसमें आग आगे से लग रही थी, इंजन साइड में, कार के अंदर। कार के अंदर फिर उसके बाद क्या हुआ? फायर सर्विस आई, लोग आए। उसके बाद में लोगों ने सबने फायर को बुला करके, और फिर 15-10 मिनट के लिए फायर आने के बाद में तुरंत बुझा ली गाड़ी, जब तक इतनी जल गई।